हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो 8 पुलिस वालों का हत्यारा, 2.5 लाख रुपए का इनामी बदमाश, बदमाश नहीं उसे गैंगस्टर कहिए, 40 पुलिस टीमों की तलाश, टीमों की तरफ से उसकी तलाश हो रही है, लेकिन 4 दिन बीत जाने के बावजूद नतीजा 0 है, 0 है। आखिर मोस्ट वांटेड विकास दुबे की ये तलाश कब पूरी होगी? क्या विकास दुबे गिरफ्त में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि पुलिस में उसके मुखबिर भरे हुए हैं? ये सवाल इसीलिए क्योंकि चौबेपुर थाने के एसओ विनय तिवारी समेत 5 पुलिस वाले विकास से मिली भगत के आरोप में सस्पेंड हो चुके हैं। आरोप तो एसटीएफ के मौजूदा डीआईजी और कानपुर के पूर्व एसएसपी अनंत देव पर भी लग रहे हैं। शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा की एक चिट्ठी वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने कानपुर के तत्कालीन एसएसपी से यानी विनय तिवारी की शिकायत की थी और अब देवेंद्र मिश्रा का परिवार इसी वजह से एसटीएफ की जांच पर सवाल उठा रहा है। खाकी पर सवाल है तो खादी भी इस मामले पर घिरी हुई है। आज बीजेपी सांसद देवेंद्र भोले के साथ विकास दुबे की तस्वीर वायरल हुई है और इसीलिए आज हम सीधा सवाल पूछ रहे हैं, क्या नेताओं और पुलिस के साथ मिली भगत से यूपी में अपराधियों के हौसले बुलंद? इस सवाल का जवाब तलाशेंगे और यह सवाल हमने आपसे भी किया है ट्विटर पर भी। भी महत्वपूर्ण नाके हैं इससे फोटोग्राफ नए इनाम के धनराशि के लगाए जा रहे हैं ताकि कहीं भी ये अगर घूमता किसी व्यक्ति को दिख जाए तो तत्काल इसको गिरफ्तार किया जाए। 4 दिन बाद भी यूपी का मोस्ट वांटेड फरार, नेपाल बॉर्डर से चंबल के बीहड़ तक तलाश। लगातार कार्रवाइयां चल रही हैं। हम लोगों ने जो विकास दुबे और उनके साथियों पे सर्वप्रथम जिला स्तर से इनाम की घोषणा की, फिर रेंज स्तर से घोषणा हुई, फिर जोन स्तर से हुई और 6 तारीख को पुलिस महानिदेशक स्तर से विकास दुबे पे 2.5 लाख रुपए की घोषणा की गई। कानपुर एनकाउंटर की जांच पर सवाल उठे, शहीद के परिवार को एसटीएफ पर भरोसा नहीं। कोई भी व्यक्ति अपने खिलाफ स्वयं जांच नहीं कर सकता। न्याय का सामान्य सा सिद्धांत है, जब ऐसी कोई जांच कमेटी बैठाई जाती है, एसटीएफ जांच करती है, तो उसमें से कम से कम उन लोगों को अलग रखा जाता है जिनके ऊपर संदेह होता है। ठीक है, स्वयं संदेहग्रस्त व्यक्ति जो हैं, वो जांच क्या करेंगे? गैंगस्टर से पुलिस की मिलीभगत की जांच शुरू। लखनऊ से छानबीन के लिए कानपुर पहुंची आईजी। पुलिस कर्मचारियों पे भी हम लोगों ने कुछ कार्रवाइयां की, विशेषकर वहां के थानाध्यक्ष, कुछ चौकी इंचार्ज जो कि वहां पर जिन्होंने कायरतापूर्ण कार्रवाई की और जिन्होंने पूरी तरीके से वहां मुचेटा नहीं लिया, उसके कारण उनको निलंबित भी किया गया है। जो खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ हिस्सा ले रहे हैं उनसे मैं तारुफ करवाना चाहती हूं। हमारे साथ प्रकाश सिंह साहब, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है प्रकाश जी। चंद्रमोहन साहब जुड़ चुके हैं जो कि प्रवक्ता है उत्तर प्रदेश बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत है चंद्रमोहन जी। राजीव त्यागी साहब प्रवक्ता है कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है राजीव जी। सुधींद्र भदौरिया साहब अरसे बाद हमारे साथ जुड़े हैं, नेता है बीएसपी के, सुधींद्र जी आपका भी बेहद स्वागत है। सुनील सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, इनसे भी काफी अरसे बाद यहाँ राबता हो पा रहा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चंद्रमोहन जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी कि कितना मतलब कोई भी शर्मसार हो सकता है ना सर, कि पूरे राज्य की पुलिस बेचारी और एक गैंगस्टर जो है वो भारी पड़ रहा है। ये 10-10, 20-20 कदम आगे हैं और हम 5वें दिन भी खोके ही तलाश रहे हैं। जो कुछ हुआ है कानपुर में वो दुर्भाग्यजनक है, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस अपने इस बलिदान का, इस अपमान का बदला लेने के लिए कमर कसी हुई है और पूरी तरीके से, पूरी शिद्दत से पुलिस को पूरी छूट उत्तर प्रदेश की सरकार शासन के द्वारा दिया गया है और पुलिस अपना काम कर रही है। आपने देखी होगी, तमाम काम प्रारंभ किया है,
अब काम के बीच में सलमान खुर्शीद जी भी परेशान हो रहे हैं कि भाई इतना काम क्यों कर रही है उत्तर प्रदेश की पुलिस, और समाजवादी पार्टी भी परेशान हो रही है कि ये क्यों कर रहे हो आप। तो काम को प्रभावित करने के लिए राजनीतिक ज्ञानबाजी भी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अपना काम करना प्रारंभ किया है, तेज गति से काम प्रारंभ हो रहा है। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं रुविका जी, आप और हम जब चर्चा कर रहे हैं तो कभी भी आपके पास ये संदेश आया कि ये कानपुर में कानपुर को लेकर एक ब्रेकिंग न्यूज और आप उसे ब्रेक कर रहे हैं? ऐसा नहीं है, लगातार उत्तर प्रदेश नहीं, नहीं ये तो आप सपना दिखा रहे हैं ना, कुछ ऐसा ही सपना योगी आदित्यनाथ ने भी दिखाया था जब उन्होंने ओथ ली थी, शपथ ग्रहण किया था, याद है ना आपको चंद्रमोहन जी? नहीं, क्या नहीं, कहा था कि आप जितने भी अपराधी हैं सपना नहीं था, उनके दो ही रास्ते होंगे सर, सपना ही है ना, आपके राज्य में 8 पुलिस कर्मियों को शहीद कर दिया जाता है और आप ये कहते हैं कि नहीं बहुत जल्दी आपको ये खबर मिलेगी, सपना मत कीजिए, ये सपना ही तो है सर। अच्छा मुझे बताइए, योगी आदित्यनाथ को सत्ता संभालते हुए कितना टाइम हो गया? पूरी विनम्रता पूर्वक चंद्रमोहन जी, पूरी विनम्रता के साथ मेरा भी सवाल सुनिए, कितना टाइम हो गया योगी आदित्यनाथ को राज्य की सत्ता संभाले हुए? आप उत्तर प्रदेश में खड़े हो, आप उत्तर प्रदेश आए थे, तो कौन आपके संकल्प को तोड़ा है मुझे ये बताइए? लगातार आप, अरे खाकी और खादी दोनों मिले हुए हैं, कहाँ से संकल्प पूरा होगा आपका? हम उसे स्वीकार कर रहे हैं, हम नहीं कह रहे घटना नहीं हुई है, घटना हुई है, बड़ी घटना हुई है, दुर्भाग्यजनक घटना हुई है रुपिका जी, लेकिन उसके बावजूद भी वो संकल्प है हमारा कि उत्तर प्रदेश को राजीव त्यागी जी के मामले में जीरो टॉलरेंस बनाएंगे और हम बनाने के संकल्प सर, 8 पुलिस वाले शहीद हो जाते हैं और अभी भी आप कह रहे हैं आपका संकल्प है, अभी भी कह रहे हैं आप संकल्प है, 5 दिन हो गए हैं और ये अपराधी, ये गैंगस्टर पकड़ में नहीं आया है, इसका कोई सुराग नहीं मिल रहा है और आप बोल रहे हैं कि संकल्प है और सपना नहीं है? राजीव त्यागी जी, बलिदान के साथ विश्वासघात किया है जिसने उत्तर प्रदेश के आम आदमी के साथ, देखिए रुपिका जी, राजीव जी एक सेकंड, चंद्रमोहन जी मैं जानती हूँ कि आप जब जब इस तरीके के मुद्दे होते हैं तो एक शब्द का बहुत बहुत ओपनली इस्तेमाल करते हैं, आप कहते हैं गद्दार, आप कहते हैं देशद्रोह, ये जो खाकी गद्दार नहीं तो क्या मैं क्यों नहीं बोलेंगे आप नहीं, मुझे ये बताइए जो 8 पुलिस कर्मियों की शहादत में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, अब वो जो है गद्दार नहीं है, वो देशद्रोही नहीं है? ये खाकी वर्दी पहने हुए जो मुखबिरी कर रहे थे, जो सारी खबरें पहुंचा रहे थे, गद्दारी का ये परिणाम है, और मैं कह रहा हूँ कोई भी गद्दार बचेगा नहीं, हर गद्दार को सजा मिलेगी। और मैं आपको कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश में होता था कि छोटी मछली बड़ी मछली, आज छोटी मछली बड़ी मछली नहीं है, जो अपराध करेगा दंडित होगा चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। राजीव जी देखिए, रूपिका जी मैंने बहुत ध्यान से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुना, मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, टेलीविजन पर बैठकर के बड़ी बड़ी बात करना, भाषणों में बड़ी बड़ी बात करना भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए। बात हुई थी जंगल राज से मंगल राज की तरफ बदलने की, कि उत्तर प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के बाद मंगल राज में तब्दील कर दिया जाएगा। याद करिए वो 2017 का दौर जिस टाइम प्रधानमंत्री कहा करते थे कि शाम 6 बजे के बाद उत्तर प्रदेश में बहु बेटियां सुरक्षित नहीं है, वो निकल नहीं सकती है, बाहर नहीं निकल सकती है। आज के सुरक्षित हुई, आप 2017 रहे, 2018 रहे, 2019 रहे, अब 2020 में हम बहस कर रहे हैं। मैं एनसीआरबी का डाटा कोट करना चाहता हूं जो कि केंद्र सरकार का है, उसी से चंद्रमोहन जी कुछ सीखेंगे और पढ़कर के डिबेट में आया करेंगे। 2017 में या 16 में अगर बात करें और 18 में बात करें तो 2016-17-18 में उत्तर प्रदेश हत्याओं के मामले में टॉप पे रहा। मैं प्लीज चंद्रमोहन जी आपके बीच में नहीं बोला था, आपके बीच में नहीं बोला था, आपको बोलना आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है आप बोल लीजिए, बीच में आप बोलना चाहते बोलिए, पहले मैं कंप्लीट कर लूं उसके बाद बोलिएगा प्लीज। 2017, 2016, 2018 में उत्तर प्रदेश हत्याओं के मामले में टॉप पे रहा। 2016 के मुकाबले 2018 में योगी राज में 24% हत्याओं के मामले बढ़े। हत्याओं के साथ साथ दलितों के उत्पीड़न के मामले में उत्तर प्रदेश में 2018 एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार टॉप पे रहा। महिलाओं के विरुद्ध अपराध में अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में, तो 2017 में यदि 56,011 अपराध हुए महिलाओं के विरुद्ध उत्तर प्रदेश में, तो 2018 में बढ़कर के योगी राज में 59,447 हो गए। मकान है वो गिरा दिया जाता है क्या, तो वो क्या चाहते हैं म्यूजियम में तब्दील कर दें इस गैंगस्टर के मकान को? देखिए बहुत स्पष्ट, बिल्कुल देखिए,
उत्तर प्रदेश में पिछले एक सप्ताह में 50 हत्याएं हो चुकी है। रही बात सलमान खुर्शीद जी के बयान की, तो मैंने वो बयान नहीं सुना है, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा बिना सुने बयान को, उत्तर प्रदेश में जो याद करके आना चाहिए, बाकी सारी चीजें अगर आप याद करके आते हैं। सुधीन्द्र भदौरिया जी ट्वीट किया है बकायदा, सुधीन्द्र भदौरिया जी आरोप आप आपकी पार्टी पर भी लग रहा है कि 15 साल तक बकायदा बीएसपी का नेता ये विकास दुबे रहा है। देखिए उत्तर प्रदेश में विकास दुबे हो और इस तरह के तमाम अपराधी तत्व, इसमें कोई नई बात नहीं है कि इनको संरक्षण मिलता है, पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये 15 साल से ही अपराध नहीं है उत्तर प्रदेश में। उससे पहले जब कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने प्रतापगढ़ के कुंडा में जाके राजा भैया के कहा था कि कुंडा का गुंडा है, और फिर उसको फिर अपनी सरकार में मंत्री बनाया, फिर राजनाथ सिंह जी ने बनाया। तो ये कोई नई चीज नहीं है, पहले से चली आ रही है। मैं जरूर कहूंगा कि ये एक नेक्सस बना हुआ है, इस नेक्सस को तोड़ना है तो एक पॉलिटिकल विल चाहिए, और ये अभी नहीं हुआ है। बुलंदशहर में एक पुलिस के अफसर की हत्या हुई, उसके बाद जब जेल से छूट के आया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसको माला पहनाई। इसी तरह से मैं कई और उदाहरण भी गिना सकता हूँ, पर मैं ये चाहता हूँ कि अपराधीकरण का खात्मा होना चाहिए राजनीति से और हमारे सार्वजनिक जीवन से, और उसके लिए सरकार पॉलिटिकल विल दिखाए। दिल्ली में बैठे लोग लखनऊ में बैठे लोग, पॉलिटिकल विल दिखाएं। सुधीन जी ये बातें बोलने में बड़ी अच्छी लगती है। आपने कहा कि बीजेपी की तरफ से माला पहनाई गई, आपने कहा कि इसको खादी और खाकी का संरक्षण प्राप्त था, लेकिन बीएसपी की मेंबरशिप पर, बीएसपी के नेता होने पर आपने कुछ भी नहीं बोला।